हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रूट जहाँ ब्रेक मारना है मौत को दावत देना, लेह का खरदुंगला टॉप दुनिया के सबसे ऊंचे रोड है। ठंड में यहाँ का तापमान शून्य से 35 डिग्री तक नीचे चला जाता है। बर्फीले मौसम में इस रूट पर ब्रेक मारना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल सड़क पर जमे बर्फ की वजह से ब्रेक मारने पर गाड़ी के फिसलकर खाई में गिरने की आशंका बनी रहती है। पग पग पर दरकती बर्फ, खिसकती चट्टानों, ऊंचाई के साथ कम होती ऑक्सीजन के बीच 18,380 फीट की ऊंचाई पर है ये रूट। सफ़ेद चादर में लिपटी पहाड़ियों के बीच बर्फीली सड़कों पर सफ़र करने के लिए यह देश की सबसे बेहतरीन जगह। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए इस रूट पर यात्रा करना शानदार एक्सपीरियंस होगा। खरदुंगला दर्रे को पार करना बेहद रोमांचक सफ़र है। दरअसल यहाँ दुनिया के टॉप माउंटेन की यात्रा पूरा करना हर किसी के लिए आसान नहीं। ऐसे पहुँचे खरदुंगला टॉप। प्लेन रूट, लेह से खरदुंगला टॉप की दूरी 40 किलोमीटर है। लेह तक डायरेक्ट प्लेन से पहुँचा जा सकता है। लेह एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर की फ्लाइट है। ट्रेन रूट, लेह के सबसे नज़दीक हिमाचल का कालका रेलवे स्टेशन है। यहाँ के मनाली से लेह के लिए टैक्सी और बस सेवाएं आसानी से मिल जाती हैं। मनाली से शुरू होता है खतरनाक सफ़र। खरदुंगला जाने का सफ़र मनाली से शुरू होता है। पहला पड़ाव में रोहतांग, फिर भारचाला, नकीला, लांचोगला, टांगलांगला, सांगला, फिर खरदुंगला तक पहुँचते हैं। मनाली लेह हाईवे पर पड़ने वाले 6 माउंटेन में 3 विश्व के टॉप माउंटेन। इनमें सबसे ऊंचा खरदुंगला 18,380 फीट, दूसरा टांगलांगला 17,582 फीट व तीसरे नंबर पर 16,000 फीट ऊंचा चांगला है। लेह से खरदुंगला आने वाले लोगों को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक की इजाज़त दी जाती है, जबकि खरदुंगला से लेह की ओर जाने का समय दोपहर 1 से शाम 5 तक तय है। टूरिस्ट को लेह के कमिश्नर ऑफिस से इनर लाइन परमिट भी लेना पड़ता है। इसके बाद हर चेक पॉइंट पर टूरिज्म को परमिट दिखानी पड़ती है। इसके लिए उन्हें करीब 6 फोटोकॉपी लेकर चलने की सलाह दी जाती है। खरदुंगला में कोई फूड स्टॉल या खाने की जगह नहीं है, इसलिए टूरिस्ट को खुद के साथ खाना लेकर आना पड़ता है।